भी बहुत अजीब सी चीज हुई। शायद आप में से काफी लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा किसी एक्सीडेंट की वजह से हाथ जो था उसका जॉइंट टूट गया था और मेरे हाथ में प्लेट लगी हुई है। अभी पता नहीं एकदम क्या हुआ, लेकिन बहुत बहुत बुरा पेन हो रहा है। अगर मैं अपना हाथ मूवमेंट भी करने की कोशिश करूँ तो मुझे पेन हो रहा है। मैं पूरे तरीके से चिल्ला रही थी क्योंकि मुझसे हाथ हिलाया नहीं जा रहा था। अभी जैसे तैसे चेतन ने उसको झटका वगैरह देख के और ये बांधा है मैंने सपोर्ट के लिए ताकि वो हिले नहीं। बट अभी जो मैं हाथ को घुमा नहीं पा रही हूँ, घुमाते ही मेरे हाथ में बहुत बहुत तेज पेन हो रहा है और मैं फील कर सकती हूँ कि जो मेरी प्लेट है वो अटक गई है कहीं पे। आई डोंट नो वो मसल में अटक गई है या क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हल्का भी हाथ मूव करते ही मेरे पूरे हाथ में ऊपर तक मसल में पेन शुरू हो जा रहा है। दर्द भी हो रहा है, मुझे खुशी भी हो रही है, दोनों ऐसे आया मेरे पास जैसे मतलब क्या ही वो कर लेगा। लाइक कंटिन्यू मुझे लिक कर रहा था और मेरे पास आके बैठा वो और मैं चिल्ला रही थी, मुझे लिक के जा रहा था मेरे हाथ को कि मतलब ऐसा क्या वो कर देगी मेरा दर्द चला जाए। इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। दर्द में भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये है मेरे पास, चेतन भी है लेकिन दोनों अल्टीमेट है। मैक्स सो रहा था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। Hey guys, welcome back to my channel. Oh yeah. जो लोग नए हैं, मैं हूँ अनीता और ये है अनवी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे अनीता मलिक व्लॉग्स। अनीता मतलब चीनू, यस मेरा घर का नाम चीनू है तो मैं हूँ चीनू, ये है अनवी, अन्नी इसका घर का नाम, अन्नी जिंदल, अन्नी इसका घर का नाम है, अन्नी नहीं जिंदल फैमिली, नो अन्नी नहीं जिंदल फैमिली, नो अन्नी जिंदल। लेटर अपडेट, पहले से काफी बेटर है मेरा हाथ, पेन नहीं है उतना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे ही मैं इस बोन को टिल्ट कर रही हूँ किसी भी तरफ तो मुझे यहाँ पर प्लेट है यहाँ पर। सो जैसे ही मैं इस बोन को टिल्ट कर रही हूँ मुझे पेन हो रहा है। अगर मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ मुझे पेन नहीं हो रहा। नॉर्मली ये पेन होता नहीं है बट पता नहीं है, तब मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है सिवाय एडिटिंग के। और मुझे लग रहा है या तो मैं ज़्यादा देर एक ही पोजीशन में हाथ रख के बैठी रही हूँ एडिटिंग करने के लिए तो शायद उसकी वजह से मसल स्टिफ हो गई है। आई डोंट नो, मतलब होना नहीं चाहिए। सो आज की मैंने कोशिश की है, मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया डॉक्टर। मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था कि मैं स्प्लिट को निकलवा दूँ बट मुझे ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि यार अभी कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो क्यों निकलवाना है ना। अनलेस के आपको सीरियसली पेन शुरू हो जाए या कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, अगर प्लेट वगैरह है प्रॉब्लम नहीं कर रही है सो नॉर्मली डॉक्टर्स यही आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उसको मत छेड़िए, जैसी है वैसी रहने दीजिए। और हो सकता है कि मेरा ये दर्द अभी सिर्फ स्टिफनेस की वजह से हो क्योंकि मेटल है ना अंदर, तो अगर आप बहुत देर तक एक पोजीशन में रखते हो प्लस जैसे एसी अभी चलता रहता है तो हो सकता है वो मेटल ठंडा होकर स्टिफ हो गया हो कुछ भी। ये मेरे मतलब बेवकूफ़ी वाले वो है अजम्पशंस है, आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं, बट ये पता चलेगा अभी ये डॉक्टर से मिलने के बाद तो देखते हैं। आई होप कि वो वापस सर्जरी के लेना बोले, मुझे बहुत 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 डर लगता है यार सर्जरी से। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लास्ट टाइम ही मतलब सर्जरी में ऐसा हो गया था
और मेरा हाथ उसके बाद सीधा नहीं हो पाया। पता चला अभी इससे भी जाते रहोगे, मतलब जितना काम कर पा रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे, और ये सीधा हाथ है, राइट हैंड है, मतलब पता नहीं क्या। अभी मुझे ब्लॉग अपलोड करना है आज। मैंने एक्चुअली अपने आप को डेडलाइंस दी थी लास्ट दो वीडियो से कि ये डेट पे ब्लॉग अपलोड हो जाना चाहिए। सो मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, मैं उस डेडलाइन पे स्टिक रहूँ, और ज़्यादा नहीं है लेकिन आई थिंक 30% एडिटिंग मेरी अभी भी बची है। सो हम कोशिश करेंगे कि हम उल्टे हाथ से एडिटिंग करें। कोशिश करने में क्या जा रहा है, नहीं भी होगा तो देखी जाएगी, बट एटलीस्ट कोशिश। और आज के आज मेरी वीडियो अपलोड हो जाए, आज के आज मतलब आज 19 जून को मेरी वीडियो अपलोड हो जाए। यहाँ मैं एडिटिंग कर रही हूँ, ये भाई साहब यहीं बैठे हैं मेरे पास। ये कल से मेरे को छोड़ के नहीं हटा है, कल से ये मेरे पास ही है, बार 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 मेरे हाथ को आके टच कर रहा है, कभी लिक कर रहा है। और बेचारा, इसको पता है कि मेरे को मतलब कुछ हुआ है, मेरे को कुछ चोट लगी है, दर्द हो रहा है, दर्द में इसको पता चल रहा है। अभी मेरे पास सुपर मैक्स तो ये इसके पास यही एक जगह है शायद बैठने के लिए ना, है ना प्रेरणा? पूरे घर में जगह थोड़ी मिलती है आपको। सो मेरे पास अभी कॉल आया था, मेरी हाथ की सर्जरी है सैटरडे की। सो सैटरडे कंफर्म हो गई है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मैं थोड़े दिन के लिए शायद कोई वीडियो ना डाल पाऊँ, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं कंटिन्यू रखूँ। बट अगर फिर भी नहीं, अगर मैं डाल पाऊँगी तो मैं पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मैं क्यों नहीं डाल पाऊँगी। अंगी आप बताओगे? हाँ, हाथ की सर्जरी इधर इधर एक्चुअली प्लेट लगा है, वो सताव है आपकी, वहाँ की हड्डी ब्रोकन है, प्लेट लगाया है। वैसा बड़ा वाला प्लेट नहीं, जो हम जिसमें खाना खाते हैं वो वाला प्लेट नहीं, मुझे नहीं पता। बट वो वाला प्लेट यहाँ कैसे लग जाएगा आप बताओ। चलो तो उसकी वजह से हम वीडियोस नहीं बना पाएंगे ना। एक काम करते हैं, मैं अंधी को ये जॉब दे देती हूँ, अंधी वीडियोस बनाएगी और मैं एडिट कर दूंगी। ठीक है? ठीक है ठीक है। तो अब से अंधी रिकॉर्ड किया करेगी मेरी वीडियो, अंधी मेरी असिस्टेंट है, अब से अंधी मेरा कैमरा संभालेगी और अंधी सारा सब कुछ रिकॉर्ड करेगी, ब्रूनो मार्स का भी और मेरा भी। ठीक है? ठीक है। और अपना तो करेगी करेगी। ठीक है? आप मेरी हेल्प करोगे ना? यस। तो हम अभी क्या करने वाले बता दें? अभी तो हम नॉर्मल व्लॉग करने वाले हैं, अभी हम और कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, उनकी चीज दिखानी है। कितना फनी लग रहा है। तो मुझे सब कुछ करना होगा, जब तक मौसी का यहाँ का ऑपरेशन होगा। देखो मौसी का हाथ पर हो रहा है, इस वाले हाथ पर यहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि लाइक वीडियो बनाना। सिर्फ वीडियो बनाना? और मेरा काम कौन करेगा? एडिट वाला मुझे आता नहीं है। एडिट वाला नहीं, डेली वाला काम कौन करेगा? मेरा ब्रश कराना, वो तो डॉक्टर्स ही करेंगे। डॉक्टर्स क्यों करेंगे? डॉक्टर्स तो मुझे दूसरे दिन घर भेज देंगे। फिर आपको और मौसा जी को करना पड़ेगा। तो मौसा जी, तो अगर मौसा जी मेरा काम करेंगी तो फिर ब्रूनो मार्स को आपको संभालना पड़ेगा। मैं आपका काम कर लूंगी। आप मेरा कर लोगे? अब यूट्यूब पे बना। Thank you.
कल अनवी ने ये बोला था कि ब्रूनो मैक्स उसके भाई नहीं है। आज आप बोल रहे हो कि है? नहीं, तब बोला था क्योंकि पॉटी साफ करने का नंबर आया था। हमने मुझे क्या बोला? किसी और को देख के कॉपी नहीं करना चाहिए। सिर्फ अपना जो जैसे आप हो वैसे रहो। आपको जरूरत नहीं है कि सबको कॉपी करना, क्यों जरूरत है? और मुझे ब्रूनो ने आदमी कितना लिख किया है, मजा आ गया। गधे की डिग्री लिख क्या ऐसे आसपास तो ऐसे गधे जैसे हो गए जब लिख के Thank you.